तो कुछ टाइम पहले पावर बैंक की मार्केट काफी अच्छे ग्रोथ में थी, क्योंकि पहले के स्मार्टफोन बैकअप उतना अच्छा नहीं दिया करते थे, बट अभी स्मार्टफोन ब्रांड भाई अपने फोन में बैटरी नहीं बटरा डाल के देते हैं, 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh की बैटरी देते हैं, तो जल्दी लोगों को पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो भी हो भाई, सब चीजों के अलग अलग फायदे हैं। अब कहीं ना कहीं कई बार भाई लोगों को पावर बैंक की जरूरत पड़ जाती है। अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने सोचा होगा कि भाई थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं भाई की, थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। तो लोग भाई ऐसा टाइटल थंबनेल देखकर आए हैं कि भाई पावर बैंक मेरे को अच्छा चाहिए, तो भाई पड़ गया ना जरूरत आपको। तो आज हमारे पास है भाई पोटोनिक का लक्सल B12 पावर बैंक, और इस वाले पावर बैंक को ना मैंने काफी कम प्राइस पॉइंट में परचेज करा है, एंड इसमें आपको 10000 mAh की बैटरी मिलती है, 12 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो दिखाते हैं किस तरह का ये पावर बैंक है, आपको क्या चीजें अच्छी मिलती है, क्या चीजें खराब मिलती है, और क्या आपको ये वाला पावर बैंक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पोटोनिक, तो अंदर की बात करेंगे भाई। तो चलो क्विक से अनबॉक्सिंग करते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाएगा। चलो भाई बॉक्स खोलते हैं, अंदर दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है आपको। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक टाइप सी केबल मिल जाता है इसे चार्ज करने के लिए, बट केबल की जो लेंथ है ये छोटी है दोस्तों, पता नहीं ये स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए दिया गया है या फिर पावर बैंक को। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, यूजर मैनुअल नहीं दोस्तों प्रेम पत्र है ये, और यहाँ पे भाई इनका वारंटी कार्ड मिल जाएगा। और ये जो पावर बैंक है ना, 1 साल की वारंटी के साथ आता है, तो ये चीज मेरे को सही लगा। अब ये जो पोटोनिक ब्रांड है ऐसा कोई नया ब्रांड नहीं है भाई, और इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट मैंने पास्ट में भी टेस्ट करे हैं, तो मतलब सही है, प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं ये लोग। अब क्या होता है कि कई लोग सोच रहे होंगे भाई कि वो वाला पावर बैंक नहीं ना है जहाँ पे भाई 20,000-30,000 बोल के और पावर बैंक में कुछ अलग ही झोल कर देते हैं, लोहा वगैरह डाल के भारी कर देते हैं। तो आई थिंक इसमें एक्चुअल 10000 mAh की बैटरी डाली गई होगी, अब तो खोलने के बाद ही पता चलेगा, वैसे नहीं खोलने वाले हम इसको। एंड यहाँ पे भाई पावर बैंक का डिजाइन देखो यार, काफी सही लग रहा है इसका डिजाइन। बिल्ड क्वालिटी भाई पावर बैंक की काफी सॉलिड है, काफी अच्छे मटेरियल का यूज किया गया है, और पावर बैंक काफी छोटा है दोस्तों, तो आप इसे इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो, आपके पैकेट में भी ये इजिली आ जाएगा। ऊपर के साइड में आपको USB पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, और एक पावर बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको भाई माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है, और इस साइड में भाई LED इंडिकेटर दिया हुआ है जहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो होगा कि कितनी बैटरी इसकी बची हुई है। अब देखो पावर बैंक का मतलब है कि भाई इससे आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हो, एयरबड्स वगैरह चार्ज कर सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह चार्ज कर सकते हो, नेकबैंड वगैरह भी सब कुछ चार्ज कर सकते हो दोस्तों। अब ये जो पावर बैंक है दोस्तों 12 वॉट की स्पीड से आपके स्मार्टफोन गैजेट वगैरह को चार्ज करेगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 10000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही लोग 10000 तो बोल दिया भाई, लेकिन उतना चलता नहीं है, तो ये भाई आपका जो फोन है एक बार फुल चार्ज कर देगा, और दूसरे बार आपके फोन को ये 50-60% कर देगा। मतलब अगर आप ये सोचो कि 10000 mAh की बैटरी पावर बैंक में है और मेरे फोन में 5000 mAh की बैटरी है, तो मतलब 2 बार फुल चार्ज कर देगा, तो ऐसा नहीं है भाई। और यहाँ पे जो ये 12 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ये मेरे को थोड़ा सा कम लगा, मतलब अगर 15 वोल्ट होता तो ज्यादा बेहतर था। बाकी ये जो पावर बैंक है ओवर करंट प्रोटेक्शन के साथ आता है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी इसमें दिया गया है दोस्तों। तो पावर बैंक टोटली सेफ है भाई, सारे प्रोटेक्शन के साथ आता है। हालांकि इसमें मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी कि इसमें जो पोर्ट्स दे रखे ना, एक USB पोर्ट है, USB टाइप सी पोर्ट है, और माइक्रो USB पोर्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि USB पोर्ट जो है ना, इसी से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। ये आप सोच रहे होंगे कि भाई हाँ यही से तो चार्ज करेंगे ना, बट अभी के टाइम पे क्या होता है कि कितने सारे फोन में ना Type-C to Type-C केबल आने लगा है, तो यहाँ पे जो Type-C पोर्ट दिया हुआ है ना, इससे भाई पावर बैंक चार्ज होगा। अगर आप ये सोचोगे कि दोनों साइड वाले Type-C केबल को अगर मैं इसमें डालूं Type-C पोर्ट में और अपना स्मार्टफोन चार्ज करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं अपना आईफोन चार्ज कर रहा था, एक तरफ Type-C पोर्ट दिया होता है आईफोन में, तो मैंने इसके Type-C पोर्ट में डाला था और फिर आईफोन को चार्ज कर रहा था ना, तो चार्ज नहीं हो रहा था। वही मैं USB पोर्ट में डाल के अपना एंड्रॉइड फोन चार्ज कर रहा था ना, तो ये चार्ज हो रहा था। वो बात अलग सी है कि अगर आप ज्यादा महंगा लेते हो तो वहां पे आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे भाई। तो यहाँ पे ओवरऑल इस वाले पावर बैंक में जो चीजें दे रखी है अच्छी दे रखी है भाई, नॉर्मल यूज के लिए आपको उतना कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी पड़ जाता है, तो आप इसे ले सकते हो भाई, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और छोटा है तो कैरी करने में भी आसानी होगा दोस्तों। बाकी आप अपनी राय बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले पावर बैंक के बारे में। मेरे को जो जैसा लगा मैंने आपको बता दिया, एंड अगर आपको बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना दोस्तों। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना भाई।